हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश ब्लॉग 3 पे आप सबका स्वागत है। और मैं हूं आपका जान और शान मिस्टर प्रकाश। करियर का 7+ इयर्स का रिटेल एंड सेल्स का जो भी नॉलेज किया है मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। तो आज बात करेंगे KPIs के बारे में। क्या होता है ये KPIs, क्यों जरूरी होता है हमें KPIs? अगर किसी भी बिजनेसेस को आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको KPIs का सख्त जरूरत होगा। ये एक ऐसा मॉडर्न प्लेटफॉर्म है KPIs, जहाँ से आप एक चाय का दुकान से शुरू करके आप एप्पल और अमेजन ये सभी KPIs फॉलो करते हैं। बिना KPIs के अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो KPI का फुल फॉर्म होता है के परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके अंदर आपको ढेर सारे लॉस मिल जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे सेल्स, UPT, ATV, ASP और KPIs के मैं 3 इम्पोर्टेंट बात बताने चाहूँगा, जो कि है फर्स्ट होगा सेल्स, ATV एंड UPT। तो फर्स्ट में लेता हूँ सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स वही होता है जो कि हम पैसा के विनिमय कुछ हमारे जिस प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको हम सेल्स बोल सकते हैं जनरली। सेकेंड इम्पोर्टेंट है ATV, जो कि एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलते हैं, पर बिल पे एक बिल पे हमने कितना का ट्रांजेक्शन किया उसे हम ATV बोलते हैं। तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है UPT, जो कि यूनिक पर ट्रांजेक्शन। यूनिक पर ट्रांजेक्शन को हम एक बिल पे हम कितना क्वांटिटी सेल करते हैं उसको हम UPT बोलते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा वीडियो शेयर करके। थैंक यू।